की दाल के दही बल्ले, दही बल्ले बना रही हूँ। इसके लिए मैंने दाल ये पहले ही 4 घंटे भिगो दी थी और मैंने इसको धो लिया है भिगो के। अब मैं इसको मिक्सी में डाल के पीस रही हूँ। मैंने ये सारी दाल को पीस लिया है अच्छे से। अब मैं इसको दाल को एक बड़े बर्तन में डाल के फेंटना है मुझे, और इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें, वरना दाल जो है पतली हो गई तो भी हमारे वैसा बड़े जो हैं वो दाल तेल बहुत पियेंगे, और अगर ज़्यादा अगर सूखी रह गई तो वो कर्रे बन जाएंगे। इसलिए मैंने बहुत आराम से इसको पीसा है, और इसको भी हम साफ़ करके डाल लेंगे अभी इसमें। अब हम इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा ज़ीरा पिसा। इसको फेंटना हमने स्टार्ट कर दिया है, और इसको एक ही साइड फेंटिएगा, उल्टा मत घुमाइएगा, वरना जितनी इसमें एयर बनेगी सारी निकल जाएगी हवा, तो भल्ले हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। इसको मुझे 3 से 4 मिनट इस तरीके से फेंटना है। इसी के साथ मैं इसमें ज़ीरा और नमक डाल देती हूँ। ये मैंने आधा चम्मच इसमें ज़ीरा नमक डाला है, और ये 1 चम्मच मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ पिसा। अब फिर से हम इसको फेंट रहे हैं। देखिए दाल ये मैंने फेंट ली है। अब मैं इसको दाल को रेस्ट करने के लिए 2 मिनट के लिए छोड़ूंगी। इतने हम कढ़ाई रखते हैं और ऑयल गरम करते हैं। इसको फेंटते हुए मुझे 3 से 4 मिनट से ज़्यादा ही हो गया है। ठीक है, दाल हमारी फेंट गई है। अब हम इसमें कढ़ाई में हमने रखी हुई है, आइए ऑयल गरम करते हैं। इसको हमें सिम गैस पे सेकने होंगे। पहले हम तेल गरम करके उसके बाद में फिर इसको हम सिम गैस पे सेकेंगे, ताकि अंदर तक भल्ले सिक जाएं। भल्ले बनाती हैं इसके लिए ना, मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है। इससे मतलब मुझे अपने हाथों को हल्का सा गीला करना है, और मैं इसको मैं थोड़ा सा ही भरमा बनाऊंगी। इसके अंदर ड्राई फ्रूट हल्के से भरूंगी, और ये मैं छोटे छोटे गोले टाइप के बना के, और इसमें हल्का मैंने नारियल, और ये थोड़ा सा बादाम, एक किशमिश, ये देखिए मैंने ये ड्राई फ्रूट काटे हुए हैं, और आप अपने हिसाब से बना सकते हैं छोटे या बड़े जैसे भी। इसको इस तरीके से ढक देंगे हम, इस तरीके से मैं डालती जाऊंगी इसमें, और ये हमारे भल्ले सिकने तैयार शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से हम भल्लों को भरेंगे और सारे बना लेंगे। देखिए ये मैं इस तरीके से भर रही हूँ, इसको अच्छे से ढक लेना है हमें। बस ये कवर हो गया है सारा। अब हम इसको इसमें डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। इसी तरीके से मैं सारे भल्ले डालती जाऊंगी इसमें, सिक रहे हैं, और इसको हल्के से हम इस तरीके से सारे भल्लों पे तेल कर देंगे ऐसे। इसको सिम गैस पे इसलिए सेकेंगे कि वो दाल में अंदर तक सिक जाएंगे, वरना कच्चे रह जाएंगे, और फिर वो पानी में पड़ने के बाद में फिर जब फूलेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप इसको आइए अपने आप देखिए तली छोड़ रहे हैं, ये वाले सिक चुके हैं, इनको पलट देंगे हम। आज मैंने गोल वाले बनाए, वैसे मैं गुजिया स्टाइल भी बनाती हूँ, वो भी अच्छे बनते हैं, लेकिन बात एक ही है, दोनों एक ही जैसे ही बनते हैं, टेस्ट दोनों का एक ही आता है। आप ऐसे बनाइए, वैसे वैसे ये इजी हो जाते हैं, इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। इसके बाद में फिर मैं इसके साथ आपको सॉल्ट बना के दिखाऊंगी, जो सॉल्ट डालेंगे इसके ऊपर वो भी तैयार करूंगी, और एक इसका स्पेशल मसाला, भल्ले मसाला बना के दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से सिम गैस पे सब सरक हो जाएंगे। देखिए भल्ले मेरे सिक गए हैं। अब मैं इनको निकाल ले रही हूँ और इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। निकालती हूँ सारा ऑयल निचोड़ के। देखिए कितने अच्छे सुरक्षित हो गए हैं ये, ज़्यादा डार्क नहीं करने हैं। ये
इसी तरीके से मुझे सारे भल्ले बना के रख लेने हैं और उसके बाद में फिर हम इसको पानी में डालेंगे। सारे भल्ले मैं इसी तरीके से तैयार करूँगी बना के। देखिए भल्ले मेरे सारे बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको गर्म पानी में भिगोने के लिए रख दूँगी। देखिए कितने सॉफ्ट बने और कितने स्पंजी बने। देखिए देखिए एकदम इसको दबा के देखिए, ये देखिए वापस हो रहे हैं, फिर अच्छे स्पंजी बने हैं। अब इसको हम यहाँ पानी गर्म करके इसको गर्म पानी में डाल रहे हैं, ठंडे हो चुके हैं, ठंडे होने के बाद ही डालेंगे। पानी है ये मैंने गर्म पानी डाला है और ये ज़्यादा गर्म हो रहा है इसलिए मैं इसमें थोड़ा ठंडा मिक्स करूँगी। अब इसके साथ ही मैं इसमें ये भल्ले डाल देती हूँ, सारे पानी भीग जाएंगे, इनको भिगोने के लिए रख देंगे। अभी 5-7 मिनट बाद एक पानी हम इसका बदल देंगे, एक पानी अभी हम इसका बदलेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के रख देंगे। देखिए ये भल्ले मेरे एक पानी हो चुका है, इसका ऑयल सारा ऊपर आ गया है। अब मैं ये वाला पानी चेंज कर दूंगी। अब मुझे दूसरे पानी में भी इनको फिर से डिप करना है। ये मैं इसमें एक पानी और डाल रही हूँ, इस पानी को भी मैं निकाल दूंगी। ये हल्का गुनगुना पानी है। इसके बाद मतलब मैं भिगो के रख देती हूँ 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद में फिर मैं एक पानी और बनाऊंगी। अभी इसका ये अच्छे से फूल जाएंगे, ये सब ऑयल ऊपर आ रहा है। इसमें रख दिया है एक बड़े बर्तन में और इसके ऊपर बस मतलब मैं ये डाल रही हूँ हींग। हींग डालेंगे इसलिए क्योंकि इससे हींग का फ्लेवर अच्छा आएगा। इसके साथ ही कोयले पे मैंने घी डाल दिया है, इसको बंद कर देंगे। हमें इसके अंदर सारा इसका जितना भी धुआं है इसको हमें करना है। इसमें फिर हम पानी डाल देंगे। देखिए अब मैं इसको हल्के हल्के खोल के इसमें ये पानी सारा डाल दूंगी। ये मुझे फ्लेवर वाला पानी हो जाएगा, इसके अंदर हम भल्ले डाल देंगे क्योंकि हमें ये स्मोकी फ्लेवर चाहिए। मैंने बंद कर दिया है। पानी हो गया है स्मोकी कटोरी और ये जो पानी है इसके अंदर मैं ये भल्ले सब डाल दूँगी। इससे क्या है हमारा स्मोकी फ्लेवर आएगा। इसको हम फिर से पानी में भीगने के लिए रख देंगे। हम बना रहे हैं इस भल्लों के साथ में सॉल्ट। ये हमने इमली भिगो दी है, बनाने जा रहे हैं। ये देखिए मैंने इसको इमली को भिगो दिया था गुनगुने पानी में। अब मैं इसको थोड़ा सा इससे मैश करके इसका पल्स निकाल लूँगा। सारे पल निकल जाएंगे इसके, जितना भी गूदा है सब इसको के बाद हम छान लेंगे। इसको मैश कर लेंगे। अब ये हम इस तरीके से कर देंगे, सारा छान लेंगे सब। ये इसको हमने छान लिया है, जितना इमली का पानी है वो सब अलग आ गया है। इसको अभी हम पानी डाल के और करेंगे, निकल जाएगा कितना भी है, ठीक है सारा निकल जाएगा। अभी इसको मैं एक बार पानी डाल के और थोड़ा फ्राई करूँगी। मैंने ये सॉल्ट बनाने के लिए इसमें ऑयल डाल दिया है और इसके साथ ही अब मैं यहाँ पे ज़ीरा और हींग डालूँगी। ये मैंने हींग डाल दी है, ये मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और यहाँ पे ये मैं इमली का जो मैंने पानी बनाया हुआ है ये मैं वो डाल रही हूँ। ये हम सॉस बनाने के लिए कर रहे हैं। ये हमारी इमली है सर और इसके साथ ही मैं अब इसमें नमक डाल देती हूँ। नमक मैंने 1 चम्मच डाला है और थोड़ा सा ये मैं काला नमक डालूँगी यहाँ पे क्योंकि सॉल्ट में अच्छा लगता है काला नमक में।
और इसके साथ यहाँ पे मैं ये लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ आधा चम्मच, ये भी हमने डाल दिया है। अब इसके साथ ही हम यहाँ पे इसको मैं आधी इसमें गुड़ और आधा इमली डालूंगी, वो डालूंगी चीनी, सॉरी आधी इमली आधे गुड़ और थोड़ा सा इसमें चीनी, तीनों चीज़ें मिला के करूँगी। यहाँ पे ये मैंने गुड़ ले लिया है, ये करीब 250 ग्राम के आसपास है, ये भी इसमें डाल दे रहे हैं, सब मेल्ट हो जाएगा इस ये अपने आप खोल आने पर, और इसको हम हल्के हाथ से चलाते जाएंगे, ये सब चलाते रहेंगे, ये 5-7 मिनट तक इसको चलाएंगे, फिर ये सिम गैस पे बनती रहेगी। चीनी बाद में डालेंगे हम इसमें, जब ये गाढ़ी हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे चीनी। देखिए मैं इसका भल्लों के साथ का ये दही बना रही हूँ, ये मैंने मदर डेयरी के पैकेट हैं दही वाले, ये ले लिया है, इसको हम फेटेंगे, और आप चाहें ना घर का भी दही जमा सकते हैं। देखिए ये मीठा दही है हमें बनाना है, और ये दही भी ताज़ी होना चाहिए, और इसके साथ ही मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, करीब 4-5 चम्मच चीनी डालूंगी, और इसको हम इससे फेंट लेंगे, या आप 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे तो चीनी वैसे ही इसमें मेल्ट हो जाएगी, फिर भी मैं एक बार इसको फेंट ले रही हूँ। वो तो पानी डालेंगे, देखिए इसको मैंने अगर चला दिया है, अब इसको मैं अभी 5-7 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ऐसे ही, कि वो चीनी जरा इसमें घुल जाए, जब चीनी घुल जाएगी हम पानी तभी इसमें मिलाएंगे। अब गाढ़ी होने लगी है ये, अब मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ, यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ, चीनी डाल के थोड़ी देर और तक पकाएंगे, ये मैंने करीब 4-5 चम्मच चीनी डाल दी है, इसको डाल के अभी हम थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे इसे, इसे 5 मिनट और बनाएंगे, बिल्कुल गाढ़ी हो रही है ये, गैस को भी मैंने तेज़ रखा है, फुल फ्लेम पे है, और इसके बाद में अभी 5 मिनट बाद डायरेक्ट हम गैस बंद ही कर देंगे, ये भी तैयार हो चुकी है। हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा, इसके पास से हटो, पहले हटो 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 हटो। देखिए मैं इसका भल्लों के साथ का ये दही बना रही हूँ, ये मैंने मदर डेयरी के पैकेट हैं दही वाले, ये ले लिया है, इसको हम फेटेंगे, और आप चाहें ना घर का भी दही जमा सकते हैं। देखिए ये मीठा दही है हमें बनाना है, और ये दही भी ताज़ी होना चाहिए, और इसके साथ ही मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, करीब 4-5 चम्मच चीनी डालूंगी, और इसको हम इससे फेंट लेंगे, या आप 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे तो चीनी वैसे ही इसमें मेल्ट हो जाएगी, फिर भी मैं एक बार इसको फेंट ले रही हूँ। वो तो पानी डालेंगे, देखिए इसको मैंने अगर चला दिया है, अब इसको मैं अभी 5-7 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ऐसे ही, कि वो चीनी ज़रा इसमें घुल जाए, जब चीनी घुल जाएगी हम पानी तभी इसमें मिलाएंगे।